हेलो जी, मैं हूँ सनशाइन एके। तो आज जो मेरा टॉपिक है, हो सकता है उसको लेके कई लोगों को गुस्सा आए, बट मेरी कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूँ। और मैंने जो चीज़ें खुद मतलब एक्सपीरियंस करी हैं, जो मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ, जो मैंने खुद फेस की हैं चीज़ें, मैं वही शेयर कर रही हूँ आपसे। और ये मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जिनकी एज 13 से 18 के बीच में है, क्योंकि तकरीबन हम मैं जो देख रही हूँ, जो हम सब देखते हैं, इसी एज में आके जो बच्चे होते हैं वो अट्रैक्ट, बोल दो आकर्षण जिसे बोलते हैं, खिंचाव एक दूसरे की ऑपोजिट सेक्स की तरफ आता है, जो खिंचाव वो आता है मोस्टली। तो इस एज में ही बच्चे जो तकरीबन 10th स्टैंडर्ड और +2 स्टैंडर्ड के होते हैं, लड़के लड़कियां दोनों, वो बहुत ही जो रॉन्ग स्टेप होते हैं वो उठाते हैं, जैसे घर से भाग जाना और under 18 शादी कर लेना 18 साल से पहले। और मतलब इसमें माँ बाप तो हर्ट होते ही हैं, मतलब तकरीबन सभी हर्ट होते हैं, पर बाद में वो रिजल्ट क्या निकलता है उसके बाद में, शादी के बाद वो खुद भी हर्ट होते हैं, सभी केसेस में नहीं, चलो मतलब तकरीबन ज्यादा केसेस में तो होते हैं, कोई एक आध खुश होता होगा वो बात अलग है। और स्पेशली मैं बोलूंगी कि जो ये बच्चे हैं वो मेरी वीडियो को ध्यान से सुने, 13 to 18 जो होती है हार्मोनल इम्बैलेंस होती है, तो अट्रैक्शन होती है, ठीक है, प्यार का नाम देती हो इट्स ओके, वो भी मैं करती हूँ, एग्री करती हूँ, पर यही एज होती है पढ़ने की। एक्चुअल में माँ बाप आपको बिल्कुल भी गलत गाइड नहीं करते, बिल्कुल गलत सजेस्ट नहीं करते आपके ऊपर। माँ बाप अगर पैसा लगा रहे हैं, वो ये नहीं कि वो आप स्टडी करोगे तो जॉब करोगे तो उनको पैसा कमा के दोगे, नहीं, वो इसलिए कर रहे ताकि आपको जिंदगी बेहतर दे सके, बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। शादी तो एक ना एक दिन होनी है, वो अपनी चॉइस की आप बता भी सकते हो घर वालों को कि हमारी शादी इससे कर दो, जो भी है पसंद है आपको, ठीक है, पर 18 साल से पहले ही, 13 साल से पहले ही ये चीजें करनी, ये तो सही नहीं हुआ ना। सही इसलिए क्योंकि इतनी छोटी एज में शादी कर लेते हो भाग के, बच्चे एंड क्या होता है बच्चा, अरे भाई ये सेक्स टॉपिक है ना, सेक्स तो पूरी जिंदगी आपका पार्टनर होगा, सेक्स तो पूरी जिंदगी पड़ी है करने के लिए, एक ना एक दिन तो शादी हो ही जानी है आपकी, तो पूरी लाइफ ये सेक्स वाली लाइफ तो जीनी है आपने, पर बाद में क्या, बच्चे ही होते हैं ना, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो माँ बाप आपको इतनी अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आपको स्टडी कराना चाहते हैं, आपको अच्छी जॉब दिलाना चाहते हैं, उसके बाद में वो चाहते हैं कि अच्छा पार्टनर आपको मिले, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का। यहाँ पे मैं सभी की बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सभी को ये नहीं बोल रही कि लव मैरिज बुरी होती है या अरेंज मैरिज बुरी होती है, मैं लव और अरेंज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो बोलती हूँ जो मैंने खुद अपने रिलेटिव में देखी हैं चीज़ें, जिनकी वजह से मेरी कुछ कजन्स हैं जिन्होंने फेसबुक से मैरिजेस किए और हफ्ते के बाद ही डिवोर्स, ठीक है, और मेरे कुछ ऐसे भी रिलेटिव हैं जो 18 साल से नीचे है लड़कियां, और फेसबुक से प्यार हुआ और शादी कर ली, ठीक है, पर मैं ये बोलती हूँ कि ये चीज़ें जो हैं बच्चों, ये आपकी जो आकर्षण है, ये आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, अगर वही फोकस आप अपने करियर के ऊपर दो जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर थोप रहे हैं कि ये बनो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इसमें जाओ, आप उनको अपनी चॉइस बता सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, और अपनी जिंदगी बेहतर बनाओगे, बेहतर कुछ बनोगे तो पेरेंट्स को तो खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, और आपकी जिससे शादी होगी आपके पार्टनर को भी खुशी होगी। तो मैं यही बोलूंगी कि सेक्स जो लाइफ है ये पूरी जिंदगी पड़ी है करने के लिए, पूरी जिंदगी है इसके लिए, और शादी के बाद यही सब होता है, चाहे आपकी लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है 13 to 18 के बीच के बच्चों के लिए, बच्चों को स्पेशली, कि भाई प्लीज जो माँ बाप ने आपके ऊपर पैसा लगाया है प्लीज आप उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि ये माँ बाप एक ऐसी चीज होती है जो लाइफ में दोबारा पैसे से भी नहीं मिलते, किसी चीज से नहीं मिलते, और सिर्फ माँ बाप है जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं,
बाद में कोई साथ नहीं देता, कोई भाई, कोई बहन, कोई कुछ नहीं साथ देता। मैं यहाँ पे सभी की बात नहीं कर रही कि सभी भाई बहन ऐसे होते हैं या कुछ, और मैं सभी ऐसे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ ये 13 to 18 के बीच में, मतलब कि समझदार नहीं है, बहुत समझदार भी होंगे, बट ये स्पेशली उनके लिए जो ये स्टेप उठाते हैं, प्लीज़ ऐसा स्टेप ना उठाएं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप दिल लगा के स्टडी करो और जो भी बनना चाहते हो अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को ओपनली बोलो और ये स्टेप ना उठाओ। जब आपकी एज हो जाती है उसके बाद में ये शादी करो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर किसी को बुरा लगा तो दिल से सॉरी बोलती हूँ, बट ये जो मेरे को फील हुआ कि जो मैंने देखा कि ऐसे चल रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और प्लीज़ ये आपकी जो अट्रैक्शन है ये जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्स, तो आप इस चीज़ को, इस चीज़ में ना, मतलब इतना इतना तवज्जो ना दें इस चीज़ को, इतना ना इसकी तरफ पागलपंती रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इन चीज़ों की तरफ फोकस ना करने की बजाय अपनी जॉब की तरफ फोकस करें। ओके गाइज, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई छोके कोई बात नहीं है, बट मेरा था कि फर्ज था कि मैं ये थोड़ा शेयर करूँ अपनी फीलिंग। ओके गाइज, बाय बाय।